हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मौमिता और आज मैं बनाऊंगी, ये है पत्ता गोभी। इस पत्ता गोभी के साथ मैं यहां पे लिया है, ये है टमाटर, ये है मटर, फ्रेश मटर है ये, और इसके साथ है ये पटाटो आलू, छोटा छोटा ऐसे कट के मैंने रख दिया है, और इसके साथ कुछ स्पाइसेस भी जाएगा। तो आज के मैं इसके ऊपर एक सब्जी बनाती हूँ। एक फ्राई पैन ले लिया है और वहाँ पे मैंने देती हूँ ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल दे सकते हैं। करीब 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल दे दिया, मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से बना रही हूँ। यहाँ पे मैं देती हूँ तेजपत्ता, 2 तेजपत्ता दे दिया, साथ में 2 आप देखते हैं रेड चिली 2, और इसके साथ ये है 1 टीस्पून साबुत जीरा। इसके साथ ये जो पटाटो रखी थी आलू, इसे मैं दे देती हूँ। आलू को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये बद्धा गोभी और आलू मटर की सब्जी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके साथ यहाँ पे मैं आप ठीक करके जो स्पाइसेस जाने वाला है वो डाल रही हूँ। ये है सॉल्ट, आप टेस्ट अकॉर्डिंग दे देंगे। सॉल्ट के साथ आप यहाँ फिर ये है टर्मरिक पाउडर और ये है शुगर, शक्कर, थोड़ा मीठा अच्छा लगता है ये भेज खाने में। ये है रेड चिली पाउडर, रेड मैंने सूखा लाल मिर्च डाला है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, सिर्फ अच्छा से कलर आएगा इसलिए मैं डाल रही हूँ, इससे तीखापन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके साथ ये जो मैं टमाटर रखी थी और मटर, ये दोनों को ही मैं यहाँ पे दे दूँगी। पहले मटर दे देती हूँ और फिर टमाटर भी दे देती हूँ। इसके साथ ही ये जो पत्ता गोभी रखी थी इसे भी मैं दे दूंगी। इसे मैंने 5 मिनट फ्राई ऐसे कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ। मैं ढक दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गई है, एक बार देख लेती हूँ।
जो एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल सूख गया है। अभी मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और साथ में एकदम लास्ट में एक चम्मच घी इसे आप दे दीजिए और ये है गरम मसाला पाउडर इसे दे दीजिए पर्स से। इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। फ्रेंड्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।